जी स्टूडेंट्स, अब हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी इस सवाल की? कहते हैं जी जनरल एंट्रीज कर दें जो रेलिवेंट है। एक तो हमने जनरल एंट्री कर दी डेप्रिसिएशन की, दिस वाज रेलिवेंट जनरल एंट्री एज फार एज आई एस 16 इज कंसर्न। एक जनरल एंट्री रहती है जब हमने एसेट को ख़रीदा, जब एसेट को ख़रीदते हैं तो क्या जनरल एंट्री की जाती है? व्हीकल खरीदी है तो व्हीकल डेबिट टू कैश और बैंक, जिस तरह से पेमेंट की गई है वो क्रेडिट। कितने की व्हीकल थी जी? 150,000 है तो 150,000 लिख दें। तो दोनों मेथड्स में जनरल एंट्रीज ने तो चेंज नहीं होना, यहाँ पे भी व्हीकल डेबिट व्हीकल टू कैश 150,000 150K, ठीक है जी। ये दो जनरल एंट्रीज हैं, ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट में वो हमें कहता है कि आप मुझे रेलिवेंट लेजर्स बना के दें। अब रेलिवेंट लेजर्स कौन से हैं? जो अकाउंटिंग रेलिवेंट है वही लेजर्स भी रेलिवेंट है, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं? एसेट को ख़रीदा गया है, कॉस्ट मेथड है तो तीन लेजर्स बनते हैं, ठीक है जी। कुछ नहीं बताया हुआ कौन से मेथड से अकाउंटिंग है तो हमने तीन लेजर्स बनाने हैं। एक लेजर बनाएंगे हम व्हीकल का, व्हीकल अकाउंट, ठीक है जी। दूसरा लेजर हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और तीसरा लेजर हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है जी। अब ये जनरल एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है। अब जब साल मेरा शुरू हुआ, साल के शुरू में 01/01/2020 जब मेरा साल शुरू हुआ तो मेरे एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? एसेट्स की बीडी वैल्यू थी 100,000, 1,00,000 रुपए का एसेट आ रहा था, ठीक है। ओपनिंग डेट में हमारे पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है। 01/01/20 पे बीडी बैलेंस गिवन है, इट वाज 57,000। ये दोनों पिछले साल से चलते हुए आ रहे हैं, तो व्हीकल अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस होता है अगर पिछले सालों में एसेट है। डेप्रिसिएशन का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, एक्सपेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ख़त्म, अगले साल कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं। तो देखिए मैंने डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा, ठीक है जी। अब हमने पिछले साल के लेजर्स को कंटिन्यू कर दिया, इन दोनों लेजर्स को, डेप्रिसिएशन हर साल नया लेजर बनता है। अब इन एंट्रीज को पास करें, सबसे पहले व्हीकल की एंट्री को पास करें। व्हीकल अकाउंट डेबिट 150,000 से ड्यू टू कैश, तो व्हीकल अकाउंट डेबिट हो रहा है 150,000 से, लिख दें जी 150,000, क्यों जी? कैश की वजह से। डेट भी साल लिखें 01/04/20, अप्रैल में ख़रीदा गया था। तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं बना रहे, ज़रूरत नहीं है। कोई और व्हीकल में एडिशन? कोई भी नहीं, एक ही एडिशन थी। दूसरी एंट्री को पास कर दें जी। अगर देखें हमारी जनरल एंट्री ठीक है तो लेजर बनाना कोई इशू नहीं है, तो पोस्टिंग है सिंपल। देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के डेबिट साइड पर लिख दें 39,250। ये मैंने यहाँ से एंट्री को पोस्ट कर दिया। क्यों डेबिट हो रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से। ये एंट्री किस डेट पे होनी चाहिए? साल के एंड पे होनी चाहिए, 31/12/2020 के एंड पे। तो डेबिट साइड पोस्ट कर दी, अब क्रेडिट साइड पोस्ट करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड पर लिख दें 39,250। अरे बाबा क्यों क्रेडिट हो रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, तो लिख दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। किस डेट पे? साल के एंड पे, 31/12/20। तो ये हमने क्या किया? रेलिवेंट लेजर्स बना दिए। अब इन लेजर्स को क्लोज कर लें। व्हीकल अकाउंट को क्लोज करेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, यू विल हैव 250,000। इसको लिखेंगे आप बैलेंस सीडी। अब इसको कैरी डाउन करना, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। किस तारीख पे ये एंट्री होगी? 31/12/20 पे, ठीक है जी। 250,000 लिख लें जी, कंप्लीट कर लें 250,000। ग्रेटर साइड नीचे लिखते हैं, स्मॉलर साइड माइनस करते हैं
तो बैलेंस आ जाता है, लिखा कि राइट साइड पे हुआ लेकिन हमारा डेबिट बैलेंस है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करें जी, इन दोनों को टोटल कर लें, यू विल हैव 57,000 प्लस 39,250, इट्स 96,250, ठीक है जी, 96,250। ग्रेटर साइड में से स्मॉलर साइड माइनस करते हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो यही बैलेंस आ जाएगा 96,250। इसको कहेंगे जी बैलेंस सी डी। इस बैलेंस को आप ब्रॉड डाउन करना, ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्लोज करें, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो आप लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस। मैंने बैलेंस सी डी क्यों नहीं लिखा जी, 39,250, क्योंकि इस बैलेंस ने सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक जाना, कैरी डाउन नहीं होना, ट्रायल बैलेंस तक जाके बैलेंस ख़त्म। तो हम कैरी डाउन सिर्फ उनके साथ लिखा करेंगे जिन्होंने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होना है, जिन्होंने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होना हम उसके साथ क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, इनफ, ठीक है जी। तो ये थी थर्ड रिक्वायरमेंट कि आप स्टेटलैंड मेथड से रेलिवेंट लेजर्स बना दें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रेलिवेंट लेजर्स किस तरह से बनाएंगे, इसके कौन से रेलिवेंट लेजर्स हैं, लेजर्स तो सेम है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होगी। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लेजर्स बना दें जी, व्हीकल अकाउंट पहला लेजर, दूसरा है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, और तीसरा बनेगा जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। बिल्कुल वही बात, व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब मैं डेट्स नहीं लिख रहा, प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। बीडी बैलेंस कितना है पिछले सालों से जो चलता आ रहा है, 1,00,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी बैलेंस, इट्स 57,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जाके ख़त्म हो जाता है, इसका कोई कैरी डाउन नहीं है, इसलिए बीडी नहीं है। एंट्री पास करें जी व्हीकल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, व्हीकल अकाउंट के डेबिट साइड पे 150,000 ड्यू टू कैश। कोई फ़र्क है लेजर्स में, काउंटिंग में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ अमाउंट्स बदलेंगी, वो भी किसकी, डेप्रिसिएशन की। तो अकाउंटिंग एक दफ़ा ही सीखनी है, बार बार नहीं सीखनी। इसका जी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सी डी बैलेंस क्लोजिंग डेट पे 250,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेकेंड एंट्री पास करें जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे लिख दें जी 31,100। क्यों डेबिट हो रही है डेप्रिसिएशन, ड्यू टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, तो लिखते हैं क्रेडिट साइड पे 31,100। क्यों क्रेडिट हो रही है जी, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो ये हमने क्या कर दिया, एंट्रीज को लेजर्स में पोस्ट कर दिया। आप टोटल कर लें जी इसको, 311, इसका टोटल बैलेंस आ जाएगा आपके पास, इट विल बी 88,100, ठीक है जी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या हो जाएगा, सी डी 88,100, इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का बैलेंस क्लोज करें, लेजर क्लोज करें, इट विल बी 31,100, इसके साथ लिखेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस। सी डी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस नहीं बनना है, इसमें ट्रायल बैलेंस में जाकर ख़त्म। तो अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग यही है, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने जब भी IAS 16 की अकाउंटिंग करनी है, आपने एसेट का कॉस्ट पे लेजर बना देना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग से बना देना है, डेप्रिसिएशन का अलग, और ये दो एंट्रीज, एडिशन होगी तो ये एंट्री है, डेप्रिसिएशन होगी तो ये अकाउंटिंग है। हमें हमारा एग्जामिनर कहाँ पे परेशान करता है, वो ये अमाउंट कैलकुलेट करने में परेशान करता है। वो कहते हैं तीन तरह के एसेट्स हैं, अभी तो व्हीकल है, वो कहेगा जी कार है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, प्लांट है। अब हम प्लांट के लिए अलग एसेट बनाएंगे, उसके अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम व्हीकल के लिए अलग, बिल्डिंग के लिए अलग, तो जितने भी नॉन करेंट एसेट्स होंगे उसके लिए हमें अलग अलग लेजर्स बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा डेटा हैंडल करना मुश्किल है, कॉन्सेप्ट यही है। तो हमने कॉन्सेप्ट को ग्रेप करना है, बेशक हमें 10 तरह के एसेट्स दे दें जो कि एग्ज़ाम में मुमकिन नहीं है, एक या दो एसेट्स, दो टाइप्स के एसेट्स देता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देता। अब हम इंशाल्लाह डिस्पोजल ऑफ एसेट करेंगे, उसके बाद पास पेपर्स की
डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताइएगा, अब ये हमारे लेजर्स बन गए, अगर यहाँ से पूछा जाए ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट बनाएं तो क्या करेंगे, तो ये जो तीन फिगर्स हैं ये ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे, ये तीनों लेजर्स के जो बैलेंसेज हैं ये बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट, डेबिट, ये बैलेंस जाएगा ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट, डेबिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, ये तीन बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। अगर आपको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सट्रैक्ट बनाएं, तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में लिखेंगे 2,50,000, इसमें से 96,250 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में, और इसने कहाँ पे जाना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा, तो दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो समटाइम आपको कुछ बताए बगैर कहता है एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें, तो एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन की काउंटिंग कैलकुलेशन करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उसकी जनरल एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज के बाद उसके लेजर्स बनाने हैं, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम सिर्फ लेजर से भी डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है। थैंक यू।